तो भी दोस्तों को जय हिंद मातरम राम राम इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती आ चुकी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाइट चेस्ट फिजिकल सेक्शन प्रोसेस के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी तो फिकर ही क्या है बाद जब सौरभ मिश्रा इन वॉम यूट्यूब चैनल है आपके साथ आपका भाई है ना इसमें कोई विज्ञत नहीं है और ये जो आपके इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती रहने वाले ये आपके इंडियन फोर्स की परमानेंट भर्ती रहेगी मेरे दोस्त इसमें अगर आपका नौकरी होता है तो आपको परमानेंट सर्विस करने का मौका मिलेगा टेम्प्रोरी चार साल वाली भर्ती नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और पोस्ट की संख्या इसमें कितनी है तो लगभग दोस्तों आपके एक हजार प्लस भर्ती निकाली गई है इसमें और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा वहां से जा से जाकर अपने टेलीग्राम चैनल भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है तो मेरे दोस्त हम बात करते हैं जो आपके इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती निकाली गई है इस पोस्ट का नाम क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है और और इसमें दोस्तों ये आपका रहा एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहां पे मेंशन किया गया आप यहां पे देख सकते हैं और वैकेंसी के बारे में यहां पे डिस्कस नहीं किया गया बट वैकेंसी आपके एक हजार प्लस ही है ठीक है ऑल ओवर इंडिया के लिए अगर हम लोग इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका कितना रहेगा तो छब्बीस हजार नौ सौ रुपए का आपका दोस्तों बेसिक सैलरी रहने वाला है अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के अप्रॉक्स पैतीस हजार प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग के टाइम पे और जब आप ज्वाइन करोगे तो फोर्टी प्लस की आपकी सैलरी रहेगी इसमें ये दोस्तों आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है और इसमें जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाला है मतलब ऑल ओवर इंडिया के दोस्तों आप कहीं भी आप जॉब कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया वाइज होने वाली है देन दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सकते हैं फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहने वाला है तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो फॉर्म अप्लाई डेट रहेगा वो आपका 22 मई 2024 रहने वाला है और इसका जो लास्ट फॉर्म अप्लाई डेट रहने वाला है वो कब रहेगा तो 5 जून 2024 रहने वाला है इस भर्ती में सबसे पहले आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाएंगे तो फिजिकल का भी डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा वो तीन, तो तीन जुलाई से स्टार्ट होगा और वो कब तक चलेगा बारह जुलाई तक चलने वाला है तक तो मतलब पहले फिजिकल होंगे उसके बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे तो सौ रुपए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए देने पड़ेंगे और इसमें जो आपका ऑनलाइन मोड पेमेंट होगा वो दोस्तों कैसे होने वाला तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा अब इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए तो इसकी भी यहाँ पे जानकारी दी गई है जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो फॉर्म अप्लाई का आपका एज पे किया गया है इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपका आपका रहेगा वो दोस्तों कितना देखिए इसमें दो टाइप का का दिया दिया हुआ एक पास का एक एज दिया हुआ है है एक 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 पास और मेरे दोस्त आपका जो भी जनवरी 2 जनवरी 2008 के भीतर होना चाहिए तो ही आप देन दोस्तों अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो इसमें भी दोस्तों दिया गया है आप देख सकते हैं डिप्लोमा बी एस सी इन फार्मासिस्ट में अगर आपने किया होगा तो दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ दो जनवरी टू थाउजेंड एक से लेके

क्या रहने वाला है

डिप्लोमा डिप्लोमा बी एस सी आ, आपके में किया है सोलह सौ मीटर क्वालिफाई करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे फिजियो क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपको दस पुशअप मारना है पुशअप मत दोस्तों डिप्स होता है उसको मारना है दस आपके स्टेडअप मारना है ये वाली मारनी है इसके बाद दोस्तों आपको स्पॉट लगाना है बस ये हो गया फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपने पास कर लिया जैसे आपने फिजिकल फिज़्ट फिटनेस टेस्ट पास किया इसके बाद दोस्तों इसके होने वाले एग्जाम और एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसी का नौकरी होने वाला है अब एग्जाम में भी दोस्तों इससे कैटेगरी है अब क्या कैटेगरी है मैं आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है बता था इसमें आपका एग्जाम जो होगा वो पचास नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क ही मिलने वाला है ठीक है एक क्वेश्चन एक मार्क ठीक है तो 50 का 50 नंबर का एग्जाम होगा ठीक है और दोस्तों इस पचास नंबर के जो एग्जाम होने वाला है इसमें दोस्तों आपका कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे उसके भी जानकारी दी गई है इंग्लिश दोस्तों बीस क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं टेन प्लस टू लेवल के रीजनिंग जनरल अवेयरनेस ठीक है इस सब के दोस्तों आपके तीस क्वेश्चन आएंगे मतलब इंग्लिश के बीस क्वेश्चन और रीजनिंग और आपके जनरल अवेयरनेस के तीस क्वेश्चन टोटल पचास क्वेश्चन रहेगा और दोस्तों पचास में से अगर आप पच्चीस नंबर भी ले आओगे तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं उसका ऑफ उतना हाई नहीं जाता जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाते और जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका नौकरी बहुत ही आसानी से हो जाता है ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप आराम से दोस्तों इसके एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे और इसमें दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा हिंदी में भी दोगे तो आप आराम से दे पाओगे इंग्लिश में भी दोगे तो दे पाओगे कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ जो इसका इंग्लिश का पेपर होता है वो इंग्लिश में ही आएगा वो दोस्तों आपके हिंदी में नहीं आएगा बाद बाकी आपका जनरल अवेयरनेस रीजनिंग ये सब आपके हिंदी में आ जाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा अब दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो नेगेटिव मार्किंग कितना है तो फोर बाई वन का आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है चार गलती करोगे तो एक नंबर काट लिया जाएगा टोटल एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलने वाला है तो पैंतालीस मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा पचास मार्क आपका एग्जाम होगा पैंतालीस मिनट का टाइम मिलने वाला है एग्जाम में पैंतालीस मिनट तक आप एग्जाम तो स्किल टेस्ट होता है और नौकरी हो जाएगा मेडिकल टेस्ट बहुत ईजी होता है और मेडिकल उतना कोई टफ नहीं होता है नॉर्मल सा मेडिकल होता है आप आराम से चश्मा पहन के भी आप इसकी मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा तो मेरे दोस्त अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स की नई वाली भर्ती में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है मैंने इसके बारे में ए टू जेड साइज जानकारी आपको दे दी है इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं बाईस मई टू से जरूर इसके फॉर्म को अप्लाई करना अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और सबसे फर्स्ट फिजिकल है फिजिकल आप जैसे क्वालिफाई करो उससे पचास नंबर का पेपर होता है बहुत ही ईजी है आप आराम से पचास नंबर पेपर क्वालिफाई कर सकते हो अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ और थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ाई करो तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना तो आपके ऊपर है अगर आप मेहनत करोगे तो ही आप इसके कर तैयारी कर करें नौकरी की पास प्रॉपर आइडिया और प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी वजह से सरकारी नौकरी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अगर दोस्तों आपके पास स्ट्रेंथ है आइडिया है और थोड़ी सी मेहनत है तो आप आराम से नौकरी पा लोगे तो अगर दोस्तों और उसमें फिफ्टी परसेंट मार्क्स है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई करना ट्वेल्थ पास वालों के लिए बाद बीएससी फार्मासिस्ट में कोर्स किया है उनका पचास परसेंट एवरेज मार्क है तो वो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई की भर्ती में आराम से नौकरी ले सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है और ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है तो जाओ फटाफट अब इसके फॉर्म को अप्लाई करने के तैयार हो जाओ जैसे इसके फॉर्म पर स्टार्ट होते हैं अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो इसके फॉर्म अप्लाई का पर्सनल वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे इसके फॉर्म अप्लाई करने हैं कैसे प्रिंट आउट निकालना है कैसे आपका सोच तो सब कुछ भरना है इसके बारे में ए टू सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग कॉमेंट करोगे तो जरूर इसके फॉर्म अप्लाई जाओ स्टार्ट होंगे बाईस मई से तो मैं आपको सारा जानकारी दे दूंगा तो अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर फटाफट में टेलीग्राम से इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ए टू जैसे जानकारी देख सकते हो जय हिंद जय भारत भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद जय, जय जगन्नाथ